माई नेम इज़ उस्मान खान एंड दिस इज़ माई लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए व्हेन ए माइनस बी 2, बी माइनस 3, सी बी माइनस सी 3 एंड सी माइनस ए इज इक्वल टू 4। ए माइनस बी इक्वल टू 2। यहां पर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। यस, सेकेंड फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिखता हूं बी माइनस सी इज इक्वल टू 3। इसका भी बोथ साइड पे स्क्वायर ले लीजिए, तो बी माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। ये भी सेकेंड फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर से यहां रिजल्ट आ जाएगा 9। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब थर्ड सी माइनस ए जो कि इक्वल है 4 के, इसके भी बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर। इससे रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। हमने ये तीन जो के वैल्यूज गिवन थी, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, इसकी वैल्यू थी 2, 3 एंड 4। हमने इन तीनों को बारी बारी लिख के तीनों को हम लोगों ने बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, जिससे तीनों के लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के। मैंने तीनों के इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इसके बाद यहां हम लोग लिख लेंगे एड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस को प्लस कर दीजिए, तो रिजल्ट इस तरह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड देन प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर माइनस 2 सी ए प्लस ए स्क्वायर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को आपस में प्लस कर दिया, राइट हैंड साइड आपस में प्लस हो जाएंगे, सो 4 प्लस 9 प्लस 16। नाउ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर है, यहां पर भी ए स्क्वायर है, इससे रिजल्ट आएगा 2 ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बी स्क्वायर से रिजल्ट आएगा 2 बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से रिजल्ट आएगा 2 सी स्क्वायर देन माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी ए को एज इट इज लिख लेंगे। 16 प्लस 4 20 प्लस 2 9 इससे आ जाएगा 29। सो अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा हर एक टर्म में 2 मौजूद है, लिहाजा 2 को हम लोग ले लेंगे कॉमन। जब हम लोग 2 को कॉमन लेते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो कि इक्वल है 29 के। अब थोड़ा सा जो हम लोगों ने जिसकी वैल्यू प्रूफ करनी है बतानी है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वो भी मौजूद है। फर्क क्या है, 2 जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, लिहाजा इस 2 को इलिमिनेट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 2 को ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम लोग 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं तो इससे रिजल्ट बन जाता है, मैं पहले इसको एज इट इज लिख लूंगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस साइड पे मैंने इस साइड को मैंने 2 पे डिवाइड कर लिया और 29 को भी मैंने 2 पे डिवाइड कर लिया। यहां लिख लेंगे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, सो इससे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का रिजल्ट बन जाएगा 29 डिवाइड बाई 2। सो जो रिक्वायर्ड था वो हमें मिल गया।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का रिजल्ट हो गया 29 डिवाइडेड बाय 2। आप लोग 29 डिवाइड बाय 2 को डिवाइड भी कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।